नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं जिम। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और मैं तैयार हुआ हूँ तकरीबन 1 घंटे में। और आज इश्ता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इश्ता तैयार हुई है 12 मिनट में, मैंने कैलकुलेट किया। शाबाश द बिल्डअप। यस, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि आप कितनी एफिशिएंट हो। जनरली क्या होता है कि हम रात को सोने से पहले एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, स्पेशली वीकेंड पे, कि कितने बजे उठना है, साथ में जिम जाना है कि नहीं। रात को हमने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि एक दूसरे को उठाना है। तो मैं उठ गया, इन्होंने बोला नहीं था उठाने को, तो मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा कहीं मैं उठाऊँ फालतू में पंगा हो जाए, डांट वांट पड़ जाए। तो ये उठी तो मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैंने कहा मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तैयार हो जाओ। ये 12 मिनट में तैयार, भाई कैसे पता नहीं, चमत्कार है भाई इस महिला का। मतलब यार, मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैं स्लो हूँ तैयार होने में। मुझे वर्कआउट से 1 घंटा पहले उठना है, क्योंकि मुझे कुछ खाना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे कपड़े बदलने हैं, मुझे कॉफ़ी पीनी है। मुझे वो एकांत का टाइम अच्छा लगता है, 1 घंटा, चाहे मैं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। पर ये महिला भाई, शी सुपर फास्ट। कैसे कर लेती हो आप ये टाइम? मुझे भी अच्छा लगता है ज्यादा मिलना, पर जब नहीं होता टाइम तो कोई ऑप्शन नहीं है। 12 मिनट में कोई जिम जाने के लिए, जिसमें आपने प्रोटीन भी पिया, फ्रेशन अप भी हुई, आप रेडी हुई बिल्कुल? फ्रेशन अप अच्छे से नहीं हुई। ओ, चलो जिम में भी वॉशरूम है। खैर, मेरा है आज पुश वर्कआउट, मेरा फेवरेट। तेरा क्या है आज? अरे वाह, कोइंसिडेंटली दोनों के सेम वर्कआउट, जो बहुत रेयरली होता है। और मैं आई थिंक वर्कआउट मैंने शुरू किया है 2 दिन पहले। मेरे को जुकाम हो गया था यार, गंदा वाला जुकाम, बहुत टाइम के बाद बहुत ही गंदा वाला जुकाम हुआ है मुझे। मतलब बहुत बुरा हाल, नाक बह जा रही है, छींकें आ रही हैं, फीवरिश लग रहा है, सर भारी है। ऑफिस भी नहीं गया, 3 दिन की छुट्टी करी मैंने ऑफिस से, सिक लीव ली मैंने। मैं मुझे याद नहीं मैंने सिक लीव लास्ट कब ली हो, काम ही नहीं हो पा रहा था यार। तो उसके बाद मैंने अभी जिम शुरू किया है, थोड़ी सी हालत में सुधार है। सुबह का तो प्रॉब्लम रहती है मुझे, नाक बहती है मेरी, कुछ एलर्जीज प्रॉब्लम है। एलोपैथी दिखा लिया, होम्योपैथी दिखा लिया, ये नहीं जा रही भाई। अगर आप में से कोई डॉक्टर है और पता है कि सुबह की एलर्जी, सुबह की छींके, नाक बहना कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे बताइए। खैर, बातों बातों में जिम आ गया। जिम की चाबी है, पार्किंग लगा के सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है यहाँ से। और इसने अभी बड़ी गंदी आवाज़ सी ली, कैप्चर करनी रह गई। रिप्ले कर सकती है? ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन मुझे टोपी पहननी पड़ती है सुबह, जो एलर्जी होती है ना, इससे मुझे बेटर फील होता है, नो डाउट। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down ground. Workout done. काफी थकाने वाला वर्कआउट था मेरा, but I'll still rate it 9 out of 10. बहुत अच्छा वर्कआउट after illness. क्योंकि बीमारी के बाद कुछ वर्कआउट आपके अच्छे नहीं जाते। पहले 2 वर्कआउट मेरे एवरेज थे, ज्यादा मैंने पुश भी नहीं किया अपने आप को, बट टुडे वाज अ गुड वर्कआउट। और दिन भी अच्छा आया, धूप निकली है बहुत अच्छी, बहुत दिन के बाद। इश्ता जी, आपके क्या विचार हैं आपके वर्कआउट के बारे में? अच्छे विचार हैं। कैसा रहा आपका वर्कआउट? बहुत ही अच्छा। सही में? हाँ? अच्छा, मैं जो सपोर्ट देता हूँ शोल्डर प्रेस और चेस्ट प्रेस में, आज इसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कम से कम 20% कम ताकत थी इसके अंदर फॉर सम रीजन, और ये मानने को तैयार नहीं है। तो कहती फुल करा है मैंने, बढ़िया करा है मैंने, बहुत अच्छी ताकत है मेरे अंदर। 20% कम नहीं था, सेम था।
ये ऐसे लोग होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम दिखती नहीं है, वैसे हैं। देखो उधर मुंह कर लेगी, बोलो कुछ, क्या दिख रही हो? ये तो देखो, हेलो। हाँ आ गई तू सुबह सुबह, आज तू व्लॉग में आ रही है, आवाज धीरे कर, आज तेरी व्लॉग में अपीयरेंस है, नहा धो के आई है ना। ये मेरी बहन है, ये रहती है दुनिया के दूसरे कोने में, कनाडा में, वहाँ बसी हुई है 3-4 साल से, बसी हुई है। अच्छा। और बुलाओ तो आती नहीं है, बस ये शक्ल इसी पे दिखती है इसकी रोज सुबह। क्या हो रहा है? और तो ये होने वाला आज का ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स बहुत सारे, मेलन, वाटरमेलन, कीवी, इसमें है 2 अंडे और 80 ग्राम श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट, और साथ में हम खाएंगे 3 ब्रेड साइजेस जो इसमें ग्रिल होंगे। ऐसा लगता है बनके डबल डेकर सैंडविच, इसके अंदर ऑमलेट है जिसमें एग और चिकन है और 3 ब्रेड स्लाइसेस, और मैंने इस पे पीनट बटर भी लगाया है। तो इससे मिलना चाहिए 35 ग्राम्स प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी के कार्ब्स, ये होल मील ब्रेड है, और अच्छे फैट्स विच इज एसेंशियल टू रिकवर आफ्टर द वर्कआउट। तो ये खाते हैं और दिन आगे बढ़ाते हैं। जब मैं छोटा था और बीमार पड़ता था तो पापा मम्मी कहते थे कि बेटा धूप में बैठ जा, धूप में बैठने से जुकाम बुखार ये सब चला जाता है। तो अब मुझे पता नहीं कि साइंटिफिकली ये कितना सही है कि गलत है, बट मैं ये फॉलो करता था और मेरे को बहुत फर्क आता था, तो मैं आज भी ये फॉलो करता हूँ। आज धूप बड़ी अच्छी निकली है, और पिछले कुछ दिनों से जब से मैं बीमार पड़ा था मैं आधा एक घंटा रोज धूप में आके जरूर बैठ रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। अगेन साइंस क्या कहती है आई डोंट नो, बट बचपन से मैंने ये फॉलो किया है और मुझे तो फर्क पड़ता है यार धूप में बैठ के, कुछ तो मिलता है सूरज से। तो एक कॉफी लेंगे बढ़िया सी और धूप में बैठ के उसे पियेंगे। तो ये है वो बेंच जिसमें मैं बैठ रहा हूँ कुछ दिनों से धूप सेकने के लिए। ये मेरी बढ़िया सी कॉफी, स्किम मिल्क कैपेचिनो विद कैरमल फ्लेवर, ऊपर चॉकलेट डलता है थोड़ा सा, थोड़ी सी हाई इन कैलोरीज होती है बट वर्थ इट। कहीं और पर मैं कैलोरी काट लेता हूँ पर ये कॉफी पीना छूट नहीं रहा मेरे से। वो मेरे पीछे आपको ये कॉफी शॉप दिख रहा होगा, छोटा सा है, इस एरिया में बहुत कॉफी शॉप्स हैं, इनफैक्ट पूरे सिडनी में बहुत कॉफी शॉप्स हैं। मेरे घर के पास ये मेरा फेवरेट है, बिल्डिंग के नीचे ही है सबसे पहले तो, लेकिन कॉफ़ी अमेजिंग है। ये जो ब्रांड है कैंपोस, इसकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, अलग फ्लेवर है, अलग स्मेल है इसकी, और ये छोटा सा कैफ़े हमेशा फुल भरा रहता है। टाइमिंग है इसके सुबह 5:30 से 2 बजे तक, जी हाँ 5:30 से लेकर 7-8 बजे जब तक लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, ऐसी ज़बरदस्त भीड़ होती है, हर इंसान कॉफ़ी पिक करता हुआ ट्रेन स्टेशन में घुसता है। और सैटरडेज़ को ब्रेकफास्ट के लिए काफी भीड़ होती है, तो फैमिलीज आती हैं, ग्रुप्स आते हैं बड़े, छोटी सी कोजी जगह है, दे सर्व रियली गुड कॉफी एंड गुड फूड। 2 लेडीज हैं जो इसे चलाती हैं, वियतनामी लेडीज, सैटरडे को उनके बच्चे भी आते हैं हेल्प करने के लिए। अमेजिंग वर्क, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वेरी इंस्पायरिंग ये दोनों औरतें। आई थिंक ये सिंगल मदर्स हैं, दे आर माई फ्रेंड्स बट मैं पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछता, बट दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, स्पेशली वीकेंड पे धूप में बैठो, कॉफी पियो, ऐश करो। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में तो मैं यहाँ पर लैपटॉप लाके उसे अपने इसको क्या कहते हैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके काम भी किया है, ऑफिस का यहाँ बैठ के कॉले भी लिए मैंने। और ये सामने जो लाइन है ना इस पे स्टॉप लिखा है, तो अगर कोई आए ना आए यहाँ पर गाड़ी को रुकना ही है, कुछ भी आपकी स्पीड हो 0 पे आना है और उसके बाद चलना है, और कोई हो ना हो लोग फॉलो जरूर करते हैं। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, बहुत बड़ी अपडेट है लाइफ की, मेरे पापा मम्मी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास, उनको आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते से मैंने कुछ शूट नहीं किया तबीयत की वजह से। आई एम रियली हैप्पी 4 महीने के बाद मैं उनसे मिला हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके बिना 4 महीने रहा हूँ। आई नो न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत फेमस है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट एज इन मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा हूँ हमेशा, इतना लंबा अलग उनसे कभी नहीं रहा, एंड आई वॉज रियली हैप्पी जैसे वो यहाँ पर आए। घर में एनर्जी रौनक आ जाती है ना, नहीं तो हम 2-2.5 लोग ही रहते थे, महेश और विहार, पापा मम्मी है, वी कीप ऑन चैटिंग, बातें होती रहती हैं, चाय बनती रहती है, यू डू थिंग्स दैट यू आर यूज्ड टू, प्लस आई जस्ट एंजॉय।
बींग विद माई पेरेंट्स, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। यहाँ के लोग डर जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने जिसको भी बताया कि पेरेंट्स आ रहे हैं वो डर गए। 3-4 महीने के लिए आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, क्या वो होटल में रहेंगे? तो उनको मैंने बोला नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे, तो ये घबरा गए। तो कल्चर नहीं है यहाँ पर पेरेंट्स के साथ रहने का बच्चों का। एशियन जो लोग होते हैं, साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन, चाहे चाइनीज़, वहाँ पर ये कल्चर है पेरेंट्स के साथ रहने का, तो वो हैरान नहीं होते। बाकी लोग मेरे मुंह से जैसे ही निकलता है पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, उनकी जॉ ड्रॉप हो जाती है। तो भैया हम तो माँ बाप के साथ ही रहे हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ का कल्चर अलग है। वे हैरान होते हैं, तो भाई होते रहे। यहाँ तो पेरेंट्स को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, संडे सुबह 10 बजे पेरेंट्स से मिलने का अपॉइंटमेंट है। एनीवेज कल्चर अलग होते हैं, बट आई एम रियली हैप्पी। और आज हम घूमने भी जा रहे हैं। आपने भी देखे बहुत सारे मोर, मैंने भी देखे पिकॉक बहुत टाइम के बाद। बिहार ने तो शायद पहली बार इतने सारे पिकॉक एक साथ देखे होंगे। अभी देखे पहले इतने सारे पिकॉक तो देखा। अभी बज रहे दोपहर के 1:30, हम आए हैं सिडनी के ओपन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में। चेरी ब्लॉसम जनरली जापान में होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आई थिंक पेड़ लगा रखे हैं, इसलिए चेरी ब्लॉसम है। मैंने पहली बार, और चेरी ब्लॉसम मैं भी पहली बार देखूंगा। गजब की सुंदरता, बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ सिडनी में देखने को नहीं मिलती है। बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है। ये पानी का कलर अलग क्यों है, कलर डाला हुआ है? हाँ, ये डाला हुआ है, ये नेचुरल नहीं है। हाँ, तो आप थोड़ा शांत हुआ है, बात हो सकती है। यहाँ पर बैचेस में लोग आते हैं, तो हमारा 2:15 का बैच था, हम चुपचाप जल्दी घुस गए, तो उन्होंने इससे पहले वाले बैच को बाहर निकाल दिया। हमने अपनी टिकट दिखाई, तो हमने यहाँ रहने दिया। अभी पूरा एरिया खाली है, जब से पहले इससे पहले कि दूसरा बैच आए वी कैन टॉक। तो ये कुछ जापान की थीम पे आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर एरिया बनाया हुआ है। चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, ये आर्टिफिशियल एक पॉन्ड है। पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं, कलर्स बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैचेस में लोगों को अंदर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के पशु पक्षी हैं। उस साइड आप देख रहे होंगे पिजन्स और अलग अलग टाइप की बत्तख बर्ड्स हैं, जिनका नाम मुझे नहीं पता। और फोटो सेशन ही फोटो सेशन, हमारे सामने आई थिंक जितने लोग थे हजारों फोटो खिंचवाई होंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वर्थ कमिंग हियर। और इस तरह खिंचवाई है 100 फोटो, 5-6 मुश्किल से। एक बार डांट भी पड़ गई इन्हें गार्ड से, क्योंकि यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन खराब कर रही थी। गिलहरी? हाँ, गिलहरी थी। लिजर्ड? लिजर्ड? हाँ, लिजर्ड। उससे बता रहा ना, आपको डांट किस बात पे पड़ी थी, आप क्या कर रही थी? मैं वो गलत एरिया में घुस गई थी जहाँ अलाउड नहीं था, और डांट पड़ के भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया, प्यार से बोला था, डांटा, भगा दिया था ना। तो पापा मम्मी थोड़ा चल चल के थक गए, पापा को तो सैंडविच खा रहे, मम्मी रेस्ट कर रही है। और जगह खाली देख के एक पिकॉक और आ गया है, डरते भी नहीं है यहाँ पशु पक्षी, इंसान से डरते नहीं है बिल्कुल। सीरियसली यार, ब्यूटीफुल, अटैक तो नहीं करता था, उसमें वो वाइट होता है, ये पत्थर क्यों खा रहा है? आर्टिफिशियल पुल भी बना हुआ है, जापानी पुल। फिशेज हैं यार यहाँ पर स्कूल के नीचे, बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी। और ये इस एरिया की अब एग्जिट है, पता नहीं क्या लिखा है जापानी में। यहाँ से बाहर निकल के अब किसी और एरिया जाएंगे। तू वहाँ जा और हम यहाँ से आएंगे, तो हमारी फोटो खींच। मम्मी की इंजीनियरिंग है फोटो खींचने की, अभी पेट नहीं भरा इनका कि यहाँ पर भी फोटो खिंचवाएंगे। अब मुझे बोला गया है कि मैं पूरे परिवार की वीडियो बनाऊं ऐसे चलते हुए, जैसे शादी के बाद विदाई होती है ना, और फोटोग्राफर चलता है ऐसे ऐसे। आइए हंसिए, विहान जी हंसिए, विहान जी हंसिए। चलिए अब नंबर आया कुछ खाने पीने का, जापानीज फूड विलेज जाएंगे। अरे मैप डिकोडर चल। ये है
फिलिपिनो चिकन स्कूअर्स, ये था क्या गार्लिक लेमन नहीं जिंजर चिकन विद राइस, वो चिकन स्कूअर्स थे मलेशियन सैटे, और विहान का जापानीज रेमन, ये नरूटो फैन है वो अभी तक आया नहीं है, वेट कर रहे हैं उसका। लो ये खा के देखो, कोई बात नहीं, खींचो खींचो दोनों हाथ से खींचो और जान लगाओ।